अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज़ हमाद शाहिद एंड यू आर वॉचिंग कैलीग्राफी विद हमाद। माई प्रीवियस वीडियो वॉज अबाउट अ लिटल इंट्रोडक्शन एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न थिंग्स विच आर यूज टू डू कैलीग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि हमें बेसिक कैलीग्राफी के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये चीज़ें ईजिली आपके बजट में भी होंगी और ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। सो फर्स्ट थिंग इज कैलीग्राफी की बेस। कैलीग्राफी की बेस के मतलब कैलीग्राफी हम करेंगे किस पर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो चीज़ें हैं, पेपर है, स्केच बुक है। आप जिस मर्जी चीज़ पर कर लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर यूज़ करें, क्योंकि बिगनर्स को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसमें पेपर परफेक्ट चीज़ है। क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, स्केच बुक एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से हमारी स्केच बुक बहुत जल्दी ज़ाया हो जाती है। लेकिन पेपर क्या है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन इस पे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर यूज़ करें कैलीग्राफी की बेस के लिए, जिस पे आप कैलीग्राफी कर सकें। अब सेकंड चीज़, हमने कैलीग्राफी किस चीज़ से करनी है। बिगनर्स के लिए हमने कैलीग्राफी किस चीज़ से करनी है। कलम, हम किस तरह कलम को पकड़ेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने कैलीग्राफी करनी किस चीज़ से है, वो कलम है। आप जिस मर्जी चीज़ से करेंगे, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कलम बेस्ट चीज़ है बिगनर्स की प्रैक्टिस के लिए, इसलिए आप कलम से ही कैलीग्राफी करें। सेकंड, अब ये मार्कर, परमानेंट मार्कर है, कट मार्कर है, आपको प्रैक्टिस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ कलम है, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि हम मार्कर से प्रैक्टिस करें, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हैं। लेकिन मार्कर भी बहुत अच्छी है, कलम की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती है, मार्कर भी अच्छी है, आप इससे चाहें तो इससे भी कर सकें। लेकिन आपने कट वाली मार्कर लेनी है, चाहे आप बड़ी मार्कर लें, छोटी मार्कर लें, कट वाली मार्कर ही लेनी है, क्योंकि कैलीग्राफी कट वाली मार्कर के बगैर कभी भी नहीं हो सकती है। अब छोटी कट मार्कर, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम कैलीग्राफी कर सकें, लेकिन वो उनसे नहीं होती। आप छोटी कट मार्कर से इजीली कैलीग्राफी कर सकते हैं। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो भी इजीली छोटी कट मार्कर से कैलीग्राफी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल कट मार्कर नहीं, इसमें काफ़ी नंबर्स आते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 605 नंबर ही यूज़ करें कैलीग्राफी के लिए। इससे आपकी कैलीग्राफी बहुत ही खूबसूरत होगी, बहुत ही नीट होगी, और इससे आपको करने में आसानी भी होगी। अब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जिससे हमारी कैलीग्राफी बहुत ही नीट होगी, खूबसूरत होगी। अक्सर स्टूडेंट से, अक्सर बिगनर से ये गलती होती है कि उनका कलम चलते चलते अचानक ही रुक जाता है और उनकी कैलीग्राफी बिल्कुल भी नीट नहीं बनती। इसलिए बिगनर्स के लिए पॉइंटर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कैलीग्राफी नीट नहीं है, उसकी आउटलाइन नीट नहीं है, तो आप पॉइंटर ही यूज़ करें, क्योंकि पॉइंटर ही वो चीज़ है जो बिगनर्स की कैलीग्राफी को बहुत ही खूबसूरत और नीट बना सकती है। अब आती है हमारे पास मार्कर्स, सिंपल मार्कर्स, कलरफुल मार्कर्स ले लें, सिंपल मार्कर ले लें। यहाँ पर मेरे पास सिल्वर मार्कर है, गोल्डन मार्कर है, क्योंकि मैं आपको सिंपल कैलीग्राफी सिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई पेंट वाली कैलीग्राफी नहीं सिखा रहा, इसलिए मैं पेंट यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल मार्कर यूज़ करूँगा। आप मार्कर्स ले लें, जब आपकी कैलीग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाए, आप अपनी कैलीग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहें, तो आप मार्कर्स का यूज़ करें, इससे आपकी कैलीग्राफी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर बिगनर्स कहें, स्टूडेंट्स कहें, लोग कहें कि हमारे पास छोटी जगह पे करने के लिए कैलीग्राफी कैसे करेंगे, कलम से हम नहीं कर सकते। जैसे पेपर होता है हमारा, उर्दू का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, वहाँ पर हमने पूरी राइटिंग करनी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसे है, हम उससे कलम पर नहीं लिख सकते, कट मार्कर से नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे पास है
फाउंटेन पेन, इससे भी हम कैलीग्राफी कर सकते हैं, बहुत ही नीट होगी, खूबसूरत होगी। अगर आप इससे लिखेंगे आपका पेपर बहुत अच्छा लगेगा छोटी जगह पे करने के लिए, जैसे कि हमारे पास कार्ड्स होते हैं, पेपर होता है, कोई भी छोटी जगह पे होती है, वहाँ पे हम कलम से नहीं लिख सकते और ना ही हम कट मार्कर से लिख सकते हैं, क्योंकि हम पेपर में हेडिंग तो कट मार्कर से दे देंगे लेकिन पूरा पेपर तो कट मार्कर से नहीं करेंगे। इसलिए फाउंटेन बेस्ट है। आप ये इसकी सिंपल इंक है, आप इससे लें, ये आप इसके साथ रखें, लाजमी इसके साथ रखें, इसको याद रखें कि ये फाउंटेन पेन की इंक है। आप इससे ही पेपर अच्छा कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं और किसी भी छोटी जगह पे जैसे कार्ड पेपर पे लिख सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़, कलम की इंक। हम मैंने आपको कलम का तो बता दिया लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि कलम चलेगा कैसे, आप तख्ती पर कैसे लिखेंगे, पेपर पर कैसे लिखेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो है कलम की इंक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपने थोड़ा सा डिप करेंगे तो आप आसानी से किसी भी कैनवस पे लिख सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं, बहुत ही ईजीली, आपको बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो इंक में इतना कलम को डिप कर देते हैं कि आपका पेपर पूरा का पूरा गंदा हो जाता है। आपने बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपने देखना है कि हमने थोड़ा सा कलम को डिप करना है इंक में, जिसकी वजह से आप ईजीली पेपर पर बहुत नीट और अच्छा लिख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की सबसे बेसिक गलती ये होती है कि वो सारा कुछ कैलीग्राफी के बारे में पूरा कर लेते हैं लेकिन वो सबसे मेन चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि पेंसिल्स, इरेजर्स, चॉक, सारा कुछ भूल जाते हैं। स्केल सबसे इम्पोर्टेंट कैलीग्राफी में बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे पास अलिफ वर्ड होता है, जब तक हम बिगनर्स को स्केल से लिख के ना सिखाएं उनको नहीं पता लगता। इसलिए आपने स्केल्स, पेंसिल्स, इरेजर्स को नहीं भूलना। पेंसिल्स, जैसे कि यहाँ पे दो पेंसिल्स हैं, कैलीग्राफी में बिगनर्स के लिए हमें दो पेंसिल्स की ज़रूरत होती है, एक पेंसिल्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने दो पेंसिल से सबसे पहले नीचे लिखना होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दो पेंसिल्स को मैंने टेप से बांधा हुआ है आपस में, इससे क्या होता है बहुत ही आसानी होती है डबल लिखने में, क्योंकि अरेबिक कैलीग्राफी में ये सिंपल राइटिंग नहीं होती जो हम एक पेंसिल से ही इजीली लिख सके, नहीं, इसमें हमें दो पेंसिल्स की ज़रूरत होती है क्योंकि कैलीग्राफी डबल होती है, बड़ी होती है, कलम की शेप देने के लिए हमें दो पेंसिल्स की ज़रूरत होती है, जिससे हम अगर किसी भी पेज पर लिखें, कैनवस पर लिखें तो हमें आसानी हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दो पेंसिल्स ही यूज़ करें। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती सबसे मेन, एक पेंसिल से दोबारा लिखते हैं, दूसरी से उसको डबल करके लिखते हैं, इस तरह नहीं करना, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, नीटनेस भी नहीं आएगी। आप दो पेंसिल्स लें, जिस शेप में उसको रखना चाहते हैं उसको रखें, स्ट्रेट रखें, कर्व रखें, जिस तरह मर्जी रखें, आप उसको डबल टेप से करें और उसको पेंसिल को लिख के देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही नीटनेस आएगी और आपको बहुत ही आसानी होगी लिखने में। आज की वीडियो में बस इतना ही था, कैनवस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब लाइव लेक्चर शुरू होंगे, अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।